पाकिस्तान की कोशिशों ने रंग लाथो मौसमियाती तब्दीलियों सबब मुतासर मुल्क के नुकसान के अजारे लाए गडियल कौम तहत फंड कायम करने के इतफाक मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बिन हफ्तन का जारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत बन उसरंदड़ मुल्क मुतालबो मंजूर किया वो पाकिस्तान बन मुल्क आलूदगी पकड़ींदड़ मालदार मुल्क का मुतालबो किया हो तो मौसमियाती तब्दीलियों सबब थियल नुकसान जो अजालो किया वे मौसमियाती तब्दीली बाबत वफाकी वजीर शेरी रहमान है फंड कायम करण जो ऐलान अड़न मुल्क के उम्मीद फराहम करे तो जी मौसमियाती आफतुन असर की केतर ही वरहन का जंग बिड़ी रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मौसमियाती तब्दीलियों सबब थियल नुकसान के अजारे लाए गडियल कौम तहत फंड कायम करने वाले अमल के मौसमियाती इंसाफ के हदफ तर पहरियों अहम कदम करार दे छो हाँ उबूरी कमेटी के मथा है तो उ तारीखी कदम के अगते वधाए वफाकी वजीर शेरी रहमान संदस टीम जो कोशिशों वाखाण जुग हैं। आलमी कॉन्फ्रेंस दौरान मौसमियाती तब्दीलियों सबब थियल नुकसान के अजारे लाए आलमी फंड कायम कर छो है परे वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी है तो पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों सबब थियल नुकसान जो केस सजी दुनिया में विढ़ो हू मिस्र के सदर परे वजीर के कोप 27 इजलास मुनक़द करने वाधायूं पेश करे तो पीपुल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन अगोणे सदर आसफ अली जरदारी पारा वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वालदह के लाडाणे से दुख जो इजहार आसफ अली जरदारी है तो वालदह जो लाडाणो औलाद लाए न विसरंदड़ सदमो हों आसफ अली जरदारी पारा डॉक्टर तौकीर की वालदह की मगफरत लाए दुआ कई वही। इमरान खान अहम मुकररी के तकरारी बनाए सियासी मकसद हासिल करना चाहे तो पीटीआई चेयरमैन मर्जी जो आर्मी चीफ चाहे तो जेका खौफनाक रवायत है इमरान खान हर इदारे के पंजे कंट्रोल में रखना चाहे तो संदस 10 साल जो मनसूबो नाकाम थी वो है। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण है तो तहरीक इंसाफ सरबराह इदार के नुकसान पहुंचाए मुल्क जमहूरियत जो तमाशो बनाए रो है साबित थी वो तो एस्टेब्लिशमेंट के किरदार का सवाए इकतदार में न तो अची सके। कराची के समूरन जिलों में तरक्याती कम थी रहा है असी बन वगुर रुगो तख्ते ते न लगाइंदा आयूं कराची के एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब है तो मान के टैक्स जा पैसा उन्हें फलाह के कम खर्च थी रहा है वह गुजरियल एक साल का मसला हल करने की कोशिश कर रहा है। कराची में बेहतरी के सफर की शुरुआत थी चुकी है 31 दिसंबर तीन तबाह थियल रोड ठीक थी वा सिंध के मकानी इदारन वाले वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह है तो आर्मी चीफ की मुकर्री जो इख्तियार वजीर आजम वट है उनते सियासत करण का पासो किया वे पीटीआई के नाइल हुकूमत के आइनी तरीके से हटाया वो सिंध सरकार बोर्ड मुतासर इलाक के हारन के बीज की मद में फी एकड़ के हिसाब से 5000 रुपया दे रही है। सिंध सरकार इंटरमीडिएट के सालियाने इम्तिहान जा नतीजा जारी न थियण जो नोटिस वठी छो समूरन बोर्ड्स के 11 और 12 दर्जे जा नतीजा हफ्ते अंदर जारी करण की हिदायत सिंध के यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स वे वजीर इस्माइल राहू इंटरमीडिएट बोर्ड कराची हैदराबाद और मीरपुर खास के खत लिखी छो संदस चवण है तो यूनिवर्सिटीज दाखिला के मरहले के अगते लाए इम्तिहानी नतीजन जो इंतजार कर रही हजारे शागिर्दन के भी बेचैनी से इंतजार है इम्तिहानी नतीजा जारी करण में देर कें भी सूरत में बर्दाश्त न कई कराची के फेरियर हॉल में ख्वाजा सरान पारा सिंध मूरत माह की तकरीब तकरीब में मुख्तलिफ शहर का आयल ख्वाजा सरान की वे अंग में शिरकत मूरत माच के अगवाणन है तो ख्वाजा सरान जहाँ हक हैं जी खेन मिलन घुर्जन सजे मुल्क में अड़े किस्म जो तकरीबू मुनद थे घुर्जन।
दादू के जोही मोड़ वाले इलाके में शेख बिरादरी के बिन धुरन विच में संगावती तकरार का झेड़ो पीरसन मार्च वो पुलिस लाश तहवील में वी अस्पताल मुंतकिल कर छो पोस्टमार्टम का वारसन हवाले बिन जवाबदार के गिरफ्तार कर लॉकअप किया वो चक में भी जमीन की मालिकियत महर बिरादरी के बिन धुरन विच में झेड़ो फायरिंग के नतीजे में एक गोठानो गोलियों को बख बणी वो झेड़े दौरान जख्मी थियल बिन जणन के अस्पताल मुंतकिल किया वो वाके का धुरन विच में छिकटाण तेज इलाके में दहका पखजी वो कंदरा में देर फायरिंग करे भाजाई के कत्ल कर छो मकतूला नजीरा मलिक जो लाश पोस्टमार्टम का वारसन हवाले पुलिस कार्रवाई करे जवाबदार मुख्तियार मलिक के गिरफ्तार कर वरतो कश्मोर वेझो भी जवाबदार की फायरिंग में संदस भाजाई मारी वही पुलिस मूजिब मीरान कोश के कारें के इल्जाम हेठ कत्ल कर वो मेहड़ में धारन की आबादकारी खिलाफ अवामी तहरीक के सदे रैली रैली के खिताब कदे अगवाणन है धारन पारा सिंध जहा डोमिसाइल शहर है सिंधी मानून के अकलियत में तब्दील करने की कोशिश कई वही धारन के नेकाली दिनी वे बी सूरत में एहतजाज जो दायरो बढ़ाया वो सिंध के मुख्तलिफ इलाक में मलेरिया विघे टे बालक अब्दी निट सुम्ही पाया जोई के गोठ बखर जमाली में चैन वरन जो शहरियार जमाली फोत वो तंगवाणी भरसा गोठ जुमो बखरानी में बिन वरन जो अब्दुल कदीर बखरानी हयाती विञाए वेठो बाहू फोसो के गोठ लोंग जखरानी में भी मलेरिया सबब बिन साल की सनम दम दे छो फुटबॉल जो सब का वो आलमी मेलो फीफा वर्ल्ड कप जो इफ्तिताह अज कतर में थी समूरियों तैयारियों मुकम्मल वर्ल्ड कप की पहली मैच मेजबान कतर इक्वाडोर विच में खेली वी मेगा इवेंट जो 64 मैचू कतर के पंजन शहर के 8 स्टेडियम में खेली वेंदियों दुफाई चैंपियन फ्रांस इवेंट में पैं एजाज जो दुफा क तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी और चमक उठे हैं सलासल जी। तो हमने जाना है जी। क्या अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी न वाके करेगा न कोई ख्वाब का सेहरा शायद वो कोई वहम था मुमकिन है सुना हो शायद वो कोई वहम था मुमकिन है सुना हो गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा अब बैर और पत
इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ के विछोड़ के 38 वर्ह विहामी वया। उर्दू बोली के अजीम शायर के वर्सी के मौके से मदाहन पारा भरपूर भेटा पेश।